हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक लिखा है राइट रेडियो एज ए फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट था इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताया गया था पिछले वीडियो में जब एसएससी आप पढ़ रहे थे उस समय। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन था लिखा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन थ्री टॉपिक क्वेश्चन आपके सामने जो थ्री टॉफी टू 18 चॉकलेट इन दोनों का पहले हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो थ्री अपॉन 18 ठीक है। अब उसके बाद क्या करके इसको काट करके आपको डिस्प्ले काट में इसको राइट करना को आप काट देंगे तीन बच्चा तीन और तीन बच्चा देखिए अभी आपको बताया गया था
पिछले वीडियो में कि यदि आपको ट्रैक्टर को कट करने नहीं आ रहा है तो उसको आप लिखिए, उसको आप कई राउंड बन जाने से इसको अगर काटते हम तो ये दो राउंड कटता, उसे काटते थे और उसे कटने लगता, लेकिन हमने एक ही बार में काटा फोर से, क्योंकि फोर दोनों का एलसीएफ होता है, ठीक है, एट एंड 36 दोनों का एलसीएफ फाइंड करेंगे तो फोर आएगा और फोर से डिवाइड एट को करेंगे तो आपका टू आ जाएगा, फोर से 36 को डिवाइड करेंगे तो नाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही राउंड में कट गया, जब आप एलसीएफ से इसको कट करेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, आपका पिछले वीडियो में टू बताएगा सबका, तो इस तरीके से ये टू अपॉन नाइन आ गया। ये लोएस्ट टर्मिनल का या सिंपलेस्ट फैक्ट कर सकते हैं सरलता बुक। अब इसको जो है आप रेशियो का आधार लगा सकते हैं, तो ग्रेटर रेशियो टू रेशियो नाइन, ये आपका ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें बेटा, जेके का आपने देखा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है आपका पिक कैमल ये है, मतलब छह फुट है और 21 मतलब 21 आपके हाथ में है, इसको आप ट्रैक्टर पर पहले राइट करेंगे, रेशियो में बता पिक अपॉन 21। अब ये हमने बताया था कि दोनों को कट करके आप दूसरे स्थान में राइट करेंगे, तो कट करने का आधार तरीका है और 21, ये दोनों जो दिया गया है ग्रेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आप एलसीएफ फाइंड करेंगे और पी एलसीएफ से दोनों को आप डिवाइड करेंगे। तो 6 और 21 का एलसीएफ आपका आ जाएगा 3 से आप डिवाइड करेंगे बेटा और 3 से 2 भी डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ यहाँ पे हमारा सिंपलेक्स स्थान है, ट्रैक्टर को हमने सिंपलेक्स स्थान में लिख दिया, अब इसको हमको रेशियो के रूप में लिखना है, ठीक है, रेशियो के रूप में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं रेशियो वन, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी लिख करके आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर ए। आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर, बी में आपका क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर बी है बेटा लाइट रेशियो, राइट इस रेशियो एंड यूनिट से यूनिट रेट, यूनिट रेट में आपको इस रेशियो को लिखना है, जैसे लिखा है बेटा 36 रुपीज हाँ, तो इसे स्पष्ट करेंगे किसका लिखा है 36 रुपी छाती कोला पात्र फॉर थ्री
कोला बॉटल हाथी कोला बॉटल देखिए थर्टी सिक्स रुपीज जो है सी कोला बॉटल का ये कास्ट है तो वन जब कोला बॉटल का आप कास्ट फाइंड करिए तो वही आपका जो है यूनिट रेट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ की रेट ठीक है आर ए सी ठीक है यूनिट रेट तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरीके से क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से यूनिट रेट में आपको लिखना है तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे बच्चों सबसे आप लिखेंगे सर दिस अब क्या पढ़ सर यहाँ पर जो एक साइंटिफिक रूप है इसे आप अब इसको काट करके आप कैलकुलेटर में लिख लेंगे इसको जब इससे कट करेंगे तो देखिए ठीक है यहां पर आपको एक सिचुएशन अब यहां पे आपके 12 अपॉन यानी कि रहेगा अपॉन 1 ठीक है 12 अपॉन 1 आ गया तो लिखेंगे इसको अब साइड के यहां पर तो अब कोला बॉटल कोला बॉटल बॉटल सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आपका ट्वेंटी फाइव मीटर इन टू सेकेंड ट्वेंटी फाइव मीटर ये क्वेश्चन है 25 मीटर इन 2 सेकंड 2 सेकंड में 25 मीटर तो 1 सेकंड में क्या होगा ये यूनिट आपको राइट करना है यहां पर तो इसके लिए ये बताया 25 मीटर अपॉन ठीक है इसको आप डिवाइड करेंगे जब डिवाइड करके आप डिवाइड कर सकते हैं 25 से डिवाइड करेंगे आप आ जाएगा 25 मीटर ठीक तो आंसर आप क्या करेंगे आंसर यानी इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से आपको यूनिट रेट में उसको जो है
आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सॉल्व प्रत्येक प्रोफेसर को आपको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग पिछले दिन ले गए था 5/9=2, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है अपॉन 54। एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमने बताया था तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर इस चीज को हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर हमको कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यस है, या कोई भी लेकर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, एक्स है, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि प्लेट में जब फ्रैक्शन होता है या प्लेट आपका रेशियो होता है उसमें हम क्लास मल्टीप्लाई का जो है इसको रखते हैं, तो क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 54। ये हमने कहा क्लास मल्टीप्लाई किया x = 9 या 9 × 10, एक साइड लिखेंगे और अदर साइड पे 5 × 54, यहाँ पर या 5 × 54 × 5 दोनों से प्लाट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 × 5 ले जाएंगे, तो इधर पर 9 + 9 बनेगा × 5 = 54/9। अब हम इसको क्या करेंगे, 9 से इसको कट करेंगे, देखिए कट हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करते ही जो है 9 अगर करता है पांच में तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ प्रोमा आ जाएगा और यहाँ सिक्स रहेगा और सिक्स में हम फाइव का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए x = 5 × 3 = 2। क्या आया 30 आया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसको 5/5 = 30 यहाँ पर आपका जो नंबर आएगा क्या आएगा, 30 आएगा, उसको आप कंप्लीट करें बच्चों। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है तो 5/8 = 40/20। इस तरीके से क्वेश्चन आपने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो आपको फाइंड करना है उसको आप कोई भी यहाँ पर लेटर रख सकते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी, या फिर आप जो है एक्स वाई जेड रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक्स रखते हैं, ठीक। अब वही आप आपका क्लास मल्टीप्लाई वाला जो आपको फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करेंगे, फाइंड टू एक्स। देखिए जो हमको फाइंड करना होता है वो पहले लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 1 × 40 या 40 × 1 ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करेंगे,
डिवाइड कर देंगे, एक आएगा लास्ट में रिजल्ट आता है जो कि नेक्स्ट वन। एट इंटू एट कितना आता है? 64। ये आपका आंसर आ रहा है, तो यक्स का वैल्यू क्या आएगा? 64। तो हम इसको लिख सकते हैं, सो 5 × 8 = 40/64। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी शक्ति का। एक क्वेश्चन और देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आ देखिए। थर्ड में लिखा है पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे वाली मूवमेंट को 18/6। एक क्वेश्चन हमारा चल गया, हमने कहा कि जो हमको फाइंड करना है वहां पर हम क्या लिखेंगे, यस यहां पर एक लिख देते हैं एक्स, तो इसका एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 × x। क्या यह कितनी राइट सकते हैं इक्वल टू टेबल में टू एक्स के, लेकिन यस इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 जो है प्लस राइट सकते हो जाएगा वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके का है। आप देखेंगे यहाँ अभी पिछले वीडियो में इसको बताया गया था, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं आप 10x10 का एक ग्रिड बना गया है, 100 ग्रिड टोटल है, जितने ग्रिड इसमें बच्चों कलर किए गए हैं उसको आपको परसेंट के रूप में राइट करना है, तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में आपका 3 × 3 = 12 है, तो 12 कलर किया गया है इसमें, 12 पार्ट इसका कलर किया गया है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे 12%, क्या लिखेंगे 12%। इसी तरीके से जितना कलर पार्ट होगा उतना परसेंट आपको लिखना है, ठीक है, लिखा 5% दैट इज मॉडल, मॉडल में जो आपको दिया गया है उसको परसेंट के रूप में राइट करना है। पिछले वीडियो में आपको इस तरीके का क्वेश्चन बताया गया था, हम आशा करते हैं बच्चों कि इसे आप कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए उसको हम लोग होमवर्क ले लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन ये हो गया बी आपको क्यों क्वेश्चन नंबर बी ये बात की है आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में लिखे ये दो क्वेश्चन आपको जो होमवर्क रूप में दिया जा रहा है ये आप कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ जो ये है कम्युलेटिव रीजन का सेफ क्वेश्चन आपका बचा है इसको भी आप होमवर्क रूप में सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ देखेंगे मेजरमेंट, ये न्यू आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।